Namaste and welcome to this exciting episode of Satology, Debunking Mythology. Satology means science of truth, the study of truth. Opposite of that of mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Welcome to all the university campus students and also our students who will be watching in, or our friends who are watching on YouTube also. So do like, share, and subscribe before I'm saying it's going to be a very, very interesting session and much deeper insights which you have heard. And many good people have spoken about this topic, but this will be very unique. I can guarantee. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को बताइए और जो इस शो में आप बहुत कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो आपने शायद सुना ना हो और यू विल एंजॉय दिस शो. सो आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट, यू ऑल नो हर वेरी वेल. उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे. शी हैज मेनी टॉक शोज और हमारे चैनल पे उनका एक खास पॉडकास्ट है जिसको आप It's for almost like 45 hours non-stop, which you can listen while driving and paying attention, not watching the screen. It's available on YouTube podcast and also on our channel. So you can subscribe to that podcast and you can listen to her exclusively for 45 to 50 hours. So without delay, let us welcome Professor Kusum Lata Kedia. Namaskar ji. Namaskar, namaskar. सबको नमस्कार जी. इतने सारे चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं दुनिया में कि आई एम जस्ट नॉट एबल टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. और साथ में बहुत सारी अमेरिकन कॉमेडी भी चल रही है और जो लोगों ने मूवी देखते हैं तो मैं तो ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन ये मूवी मैंने देखी. एक मूवी आई है भारतीय खुफिया तंत्र पे, उसका नाम ही है खुफिया नेटफ्लिक्स पे. और अच्छा, और वो बड़ी अच्छी मूवी है. उसमें वो एक डायलॉग आता है कि एक मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट टुवर्ड्स द एंड दैट डायलॉग इज देयर, द अमेरिकन्स आर हीरोज ओनली इन मूवीज. ये बोलते हैं कि सिर्फ वो मूवीज में हीरो है. विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज बनाई है और दोनों मेरे से अच्छी तरह परिचित भी हैं, इसलिए मैंने देखी वो खास, क्योंकि मेरे अच्छे परिचित हैं वो लोग. तो तुम ये जो सऊदी अरेबिया में और इधर हर जगह जो चल रहा है यूरोप में, जो लेटेस्ट हो रहा है कि यूरोप में अभी सडनली नेशनलिज्म जग गया है, एंटी इमिग्रेंट, और अभी तो एंटी मुस्लिम, बाहर निकालो, ये सब शुरू हो गया है पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के बाद. सो हाउ डू यू सी दिस फिनोमेना? अब मुझे लगता है ये यूरोपियन लोगों की शुद्ध मूर्खता को बता रहा है भाई. यूरोपियन लोगों ने 10वीं 11वीं में क्रूसेड चलाए हैं, 14वीं तक शायद क्रूसेड चले हैं. यानी यूरोप वालों को ये मिडिल ईस्ट से मुसलमानों से, सही शब्द मुनाफिक है, ये जो क्रिप्टो सूडो मुस्लिम्स हैं, इनसे कलह का तो इनका लंबा इतिहास है. पैगंबर मोहम्मद को फॉल्स पैगंबर कहने का इनका पुराना अभ्यास है. अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका भयंकर झगड़ा है ओटोमन एम्पायर से, जो टर्की है, पूरा इन्होंने तोड़ फोड़ के चुकना चूर किया है. ये तो क्यों घूम रहे हैं कि साहब मुसलमानों ने समुद्री रास्तों पर कब्जा कर लिया है और हम बड़ी गरीबी में, हमको कोई अल्टरनेट रास्ता चाहिए. तो अपने इतने सारे अनुभव के बाद पिछले 20-30 साल में शत्रुओं को घर में, यूरोप को या यूरोपियन लोगों को या एक्स क्रिश्चियन लोगों को या क्रिश्चियनिटी के इंटेलेक्चुअल फ्रेम में रहने वाले यूरोप के गोरे लोगों को, इस्लाम का कहिए, मुसलमान मोमिन कहिए, या सही शब्द है सूडो क्रिप्टो मुस्लिम्स के साथ इनकाउंटर का 500-700-800 साल का इतिहास है. लेटेस्ट अभी है इनका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है,
ओटोमन एम्पायर को तोड़ने में है, और इसके बाद कोल्ड वॉर के पीरियड में है, फिर सोवियत रूस को हराने के लिए अफगानिस्तान में जो अलकायदा खड़ा किया उसका है, और इसके बाद हमको जहां तक ध्यान है 90s ऑनवर्ड यानी पिछले 30-32 साल में इन लोगों ने इनको ला ला के अपने घर बसा लिया, यानी अपने आर्क एनिमी को जिसकी बारबेरिटी से जिसके हर चीज को से ये वाकिफ है, और कॉलोनियल पीरियड में जिनका इनसे भयंकर शत्रुता है। अच्छा, एक फैक्टर और है, ये जो पेट्रोल डीजल जो ऑयल है, इस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए यूरो अमेरिकन ब्लॉक का इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है। कब से कम 100 साल से, तो इनको ये इन आउट जानते हैं। फिर अपने घर में ऐसे जालिम बर्बर हिंसक लोगों को आपने क्यों घुसाया? सम काइंड ऑफ ए सुसाइडल टेंडेंसी इन यूरो आपका नहीं, ये मेरा कहना है। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा रुक रहा है बीच बीच में एक्चुअली। जी, तो एक मुझे एक बात इस बताइए, सोसाइटी टेंडेंसी है, आप क्यों बुला रहे हैं उनको? और जो इनका लॉजिक है वो लॉजिक ये है, आदित्य जी आप भी स्क्रीन पे रहे तो आनंद आएगा, इनका लॉजिक ये है कि साहब हमारे यहाँ लेबर प्रॉब्लम है, काम करने वाले लोग नहीं है, तो आपका तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का और अपने शान का एक ही तो आर्ग्यूमेंट है, वी आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। और कैसी है टेक्नोलॉजी? योर क्लेम इज दैट आवर टेक्नोलॉजी इज लेबर सेविंग, तो भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहाँ गई भाई? झाड़ू लगाने के लिए, होटल में प्लेट साफ करने के लिए, ड्राइविंग के लिए, फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूपिड स्मॉल जॉब्स यू आर कॉलिंग योर एनिमीज इनसाइड योर होम इज सुसाइडल। अच्छा, आदमी ही चाहिए, देन व्हाई डिड यू स्टॉप और रिड्यूस योर बर्थ रेट? इतना तो कॉमन सेंस होता है ना। एंड दे हैव अ प्राइड दैट दे डू लॉट ऑफ प्लानिंग, दे प्लान फॉर 10 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स। यू डिड नॉट प्लान व्हाट साइज ऑफ पॉपुलेशन यू नीड फॉर मेंटेनिंग दिस रेट ऑफ ग्रोथ एट दिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और मंगाना ही था तो ज्यूस को काहे भगाया भाई? अफ्रीकन से इतना झंझट क्यों मोल लिया भाई? और 140 करोड़ के हम भारतीय बैठे हैं, हमसे क्यों पंगा लेते हो भाई? तो तीन चार मेरे पास एडजेक्टिव है, यू आर स्टूपिड, यू आर शॉर्ट साइटेड, एंड यू आर सुसाइडल। अब इस पर कुछ आप और कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, मुझे इस पर कहने को तो बहुत कुछ है, अच्छा मतलब इधर इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात हो सकती है? अरे तुमको कैलकुलेशन करना चाहिए था कि इतना रेट ऑफ बर्थ रेट अगर ये है, डेथ रेट ये है, तो पॉपुलेशन की साइज ये होगी, और इस साइज में हमको इतने इतने उस सेगमेंट्स में इतने इतने आदमी चाहिए। भाई डेथ रेट ना घटाते, बर्थ रेट बढ़ा लेते, तो फिर काहे के तुम प्लानर्स हो भाई? किस मायने में तुम एडवांस्ड हो भाई? और जिस काम के लिए इन लोग को रखा है, बुलाया है मेनली, वो काम क्या है? आप कह रहे हैं जी ड्रजरी वाला काम है, मीनियल काम, यानी आप अपने शहर के हर कोने में इनको ले आए, आप अपने घरों में इनको ले आए, अपनी इंडस्ट्रीज में इनको ले आए, सुसाइडल। और नहीं बिल्कुल सही आपने इनके बारे में जो एक्चुअली गलत, अब ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलें जो हमारे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री लेने के लिए घूमते रहते हैं,
है ना, जो ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का मतलब किसी को मालूम ना हो, जहां से जो बैल और भैंसे होते हैं नदी क्रॉस करते हैं उसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। तो वहां से आप जा वहां कैम्ब्रिज, एक कैम नदी की मरियल सी नदी है, उस पर एक ब्रिज है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके कोई एक बसावट का नाम, सम काइंड ऑफ ए ह्यूमन सेटलमेंट इज कॉल्ड कैम्ब्रिज, एंड यू कॉल इट ए यूनिवर्सिटी एंड अ सीट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ जो पढ़ने जाते हैं और जो उस डिग्री में प्राइड अनुभव करते हैं, उन पर मेरे जैसा व्यक्ति तो भाई शालीनता से जरा हंसी को रोक के मुस्कुरा लेगा, या पब्लिकली है तो कोशिश करेगा थोड़ा गंभीर मुख रखे, मुस्कुराए नहीं। अगर आप भारतीयों की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कल के अपस्टार्ट्स 1929 तक, जहां तक मुझे याद है, इंग्लैंड में, ब्रिटिश, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में ही है ना, जिसको ये ब्रिटेन ग्रेट रेट कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर 1929 तक वुमन वॉज नॉट ए लीगल एंटिटी बिकॉज शी वॉज नॉट ए मैन, शी हैड नो सोल। चिड़िया के पास सोल है, गधे के पास सोल है, घोड़े के पास सोल है, बैल के पास सोल है, लेकिन इनकी वुमन के पास सोल नहीं है। आप वहां जा रहे हैं टू गेट सम काइंड ऑफ ए डिग्री, आप कह रहे हैं कि हम क्या है, क्या इसको। एक जेट विल्डर करके नीदरलैंड्स में इलेक्शन जीते हैं, जेट विल्डर्स, जिन्होंने नूपुर शर्मा को भी बहुत सपोर्ट किया था, और उन्होंने ओपनली बोला है मैं इन सबको निकाल दूंगा डच। एक्चुअली मैं जब भी डच लोगों को देखता हूँ मुझे हंसी छूट जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। बहुत शुरू से है, बहुत सारे डच लोगों को देखता, लंबे से होते हैं और बुद्धि बहुत कम होती है, और शिप बिल्डिंग में बहुत इनका रहता है। अभी उसने बोला कि इन सबको बाहर निकालना है। मैं आपको बताऊं, इधर मैं बहुत यूरोप घूमा हूँ बहुत ज्यादा, और यूरोप में अभी स्कॉटलैंड का जो प्रधानमंत्री है जिसको फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं, वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम है। ओपनली उसके वीडियोस हैं, शुरू से बोल रहा है, वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ही हेट्स द वाइट रेस, वाइट रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। वो भी फर्स्ट मिनिस्टर बन गया। आयरलैंड में कोई एक इन्होंने इमिग्रेंट बुलाया था, वो सबको चाकू मार रहा था उसके सामने, तो नाउ देयर राइट्स इन आयरलैंड। मेरी हंसी इसलिए छूट रही है कि दे इनवाइटेड ऑल ऑफ देम एंड नाउ दीज पीपल इंडल्जिंग इन दी And they also elected them. इलेक्टेड देम। लंदन का मेयर तो हम सब लोग जानते हैं सादिक खान क्या करता है, एंड ये पूरे वेस्टर्न यूरोप में प्रॉब्लम है। नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट, इन्होंने ईस्टर्न यूरोप को अलग रखा पहले क्योंकि ईस्टर्न यूरोप वॉज सेपरेट फ्रॉम देम। अब वो चाह रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप के लोग आए, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम हो गई कि यूक्रेन के सारे रेफ्यूजीज पोलैंड में बैठे हुए हैं। दे कंसिडर देम वाइट विद ब्लू आईज, बहुत इन्होंने रोया था कि ये ब्लू आईज के देखो क्या हो रहा है इनके साथ, हमारी नस्ल है। लेकिन अब जो है, नाउ दे आर कंप्लेनिंग कि वी डोंट वॉन्ट ईस्ट यूरोपियंस। तो ये वेस्टर्न यूरोप चाहता क्या है, मेरे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एवर। देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए, आप जरा रहिए। हाँ ये जिसको यूरोप कह रहे हैं, तो मान रहे कोई एक जगह है, एक कोई आइडेंटिटी है जो यूरोप है, फिर कह रहे हैं जी इसमें कुछ नेशन स्टेट है, जिसको हॉलैंड कह रहे हैं, डेनमार्क कह रहे हैं, फ्रांस कह रहे हैं, जर्मनी कह रहे हैं। अपने लोगों ने जो यूरोप वाला सीरीज चलाया था, जहां तक मुझे याद है, उसके दूसरे और तीसरे इसे एपिसोड में ये बात आई थी, यूरोप बसा कैसे, सेंट्रल एशिया से थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, ये भी जी इनका ही। रिकॉर्डिंग, मेरे तो बीप्स हो रही है, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ। ओके यस प्लीज कंटिन्यू। तो ये थोड़े थोड़े से लोग आ रहे हैं, ये भी इनका शब्द है। वस्तुतः ये जो पूरा एशिया का जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये ग्रासलैंड है, घास है, समतल जगह है, और यहाँ कौन लोग हैं, जो घोड़े हैं, जिनके पास बकरी है, भेड़ है, यानी जो पशुपालक है। तो सीजन के हिसाब से, गर्म जाड़े के हिसाब से, जहाँ घास अवेलेबल है वहां ये
रेगुलर घूमते रहे। अब 18th, 19th, 20th सेंचुरी में, जिसको आज यूरोप कहते हैं, उन लोगों ने कल्पना कर ली कि एक कोई बाउंड्री लाइन है, इसके इधर एशिया है और इसके इधर यूरोप है। तो लोग आते गए, चलो कौन लोग आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से लोग आ रहे हैं, आके कोई एक जगह सेटल कर जा रहे हैं। ऐसा कब तक चल रहा है, मोटा मोटी 1500 1000 साल। ग्रीस और रोम को भी खींच लो तो कोई 2 2500 साल ये मामला चलता है। इनमें आपस में तो कभी कोई तालमेल रहा ही नहीं है भाई। ये 2 2500 साल या 1000 1500 साल आपस में भयंकर मार काट करते रहे हैं भाई। और उसका कारण हमने बताया था कि यूरोप की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि बड़े सेटलमेंट एक जगह नहीं है, छोटे छोटे। तो उसमें जो कहते हैं ट्राइब्स बिकम नेशंस, और ये नेशंस बिकम स्टेट, ये है प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया भी कब हुई है, पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा, व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद हम लोगों के साथ, अफ्रीका वालों के साथ, दोनों अमेरिका वालों के साथ और ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ, वहां इन्होंने स्टेट फॉर्मेशन देखा। तो अब असलियत क्या है, ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो भयंकर सदा से लड़ते मरते रहे हैं। और इनके लड़ने मरने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड ये जो चर्च है, जो क्रिश्चियनिटी और जीजस के नाम से अपने को फैला रहा है, तो ये चर्च के नन्हे 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 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुप्स आपस में खूनी लड़ाई लड़ते, नॉर्मल लड़ाई नहीं लड़ते। तो ईस्ट यूरोप को नहीं चाह रहे हैं कि नॉर्थ यूरोप को नहीं चाह रहे हैं कि साउथ यूरोप को नहीं चाह रहे हैं, वेस्ट वाले अपने को एडवांस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब कुल क्या है, मेंटल कंस्ट्रक्ट। सब इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट नहीं कह रहे, मेंटल इमोशनल कंस्ट्रक्ट्स, जिसको लेट 19 और 20th सेंचुरी, यानी 20th हुआ 100 साल, लेट 19th 20-30 साल और 20-30 साल अभी का, मोटा मोटी 150 साल के इन इमोशनल इमोशनल मेंटल कंस्ट्रक्ट्स को। और ये कंस्ट्रक्ट्स क्यों थे, टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना, द हैपनिंग्स, द इवेंट्स जो बहुत तेजी से इस क्षेत्र में, जिसको आजकल हम यूरोप कह रहे हैं, घटित हो रहा है। कब, लेट 19th, एंटायर 20th एंड 21st सेंचुरी। अब केवल 20th सेंचुरी ले लो, पुराना छोड़ दो, 2 वर्ल्ड वॉर, इंटर वॉर पीरियड में मारकाट, और वॉर खत्म होते ही पोस्ट वॉर, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर 1990 में खत्म हो रहा है तो कह रहे हैं जी अमेरिका पोलर वर्ल्ड। पोलर वर्ल्ड के बाद भी लगातार लड़ाई, तो पुराना भी छोड़ दो, तो 20वीं शताब्दी में जिसको यूरोप कह रहे हैं, इसमें लाखों लाखों लोग, और लाखों लाखों मिलके कितना हो जाएगा, करोड़ों लोग। या अगर मैं कहूँ यूरोप का परसेंटेज मेरे को क्लियर नहीं, मोर देन 10% पॉपुलेशन इज रिफ्यूजी पॉपुलेशन। मोर देन 10% पॉपुलेशंस नेशनैलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट आर कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स। व्हेन 20th सेंचुरी, पुराना तो छोड़ दो, तो इनमें किसी भी तरह का एका जो ढूंढ रहे हैं हम और आप जैसे लोग, जैसा कि भारत में होता रहा। भारत एक नेशन स्टेट इनके शब्दों में, और हमारे शब्दों में एक राष्ट्र है, कब से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, 2000 5000 10000 20000 50000 साल नहीं, जब से हमारी स्मृति है, लाखों साल से ये एक राष्ट्र है। और जिसको यूरोप कह रहे हैं, ये मुश्किल से 2500 साल में इसके सदर्न पार्ट में आदमी आया है, और मेन लैंड में 1500 साल।
और जिसको अमेरिका, यूएसए, कनाडा कह रहे हैं, ये यूरोप का ब्रांचिंग हुआ है वहां, ग्राफ्टिंग हुआ है वहां, वहां के लोगों को मारकर। तो वो तो 100 150 साल का, कनाडा 150 200 साल का, सब 200 250 साल का, ये कुल मामला है। तो इनमें आपस में किसी भी प्रकार का आत्मीयता नहीं है। तो क्या है, अपरिचित, सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है, या शत्रु भाव है, या तो अजनबी भाव है या शत्रु भाव। तो ये कहना यूक्रेन वाले जी ब्लू ब्लड है, किसकी तुलना में, रशियंस की तुलना में, ये मेरा अपना है उसकी तुलना में, लेकिन मैं तू अगर सामने आया तो काट गला। जब लुगाई का ही गला काट, लुगाई मनुष्य ही नहीं है, बूढ़े का गला काट, बच्चे का गला काट, आपको वो पढ़ के थोड़ा थोड़ा सुनाई है ना। हाँ बिल्कुल तो जो एक होता है ना आत्मीयता का भाव, ये यूरोप में न तो था, न है, न अभी 150 साल आने वाला है, जब तक आप सनातन धर्म की साधना में पुनः प्रवृत्त नहीं। ऐसा लगता है इनके ऊपर श्राप लगा हुआ है कहीं से, ये साथ में कभी जुड़ नहीं सकते आपस में, और पूरी दुनिया में दुष्कर्मों कॉन्फ्लिक्ट्स भी यही कर रहे। का फल है ना। आप लोग, आप और पंकज जी को हम कभी कभी सुनते हैं गीता, भागवत पुराण सब, तो बार बार जैसे कर्म है वैसे फल है। मैं जब एक बार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गया वहां से, लंदन से ब्रसल्स गया मैं एक ट्रेन लेके, और ट्रेन के अंदर ब्रसल्स में बहुत सारे अफ्रीकन ओरिजिन लोग हैं, बहुत सारे। ब्रसल्स में बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, ब्रसल मतलब उसको क्या बोलते हैं, ब्रसल है, लग्जमबर्ग, और ये तीन कंट्रीज एक साथ है, बेनेलक्स बेल्जियम की बोलते हैं। राजधानी हुई ना ब्रसेल्स, तो बेल्जियम की राजधानी हुई ना। हाँ, तो ये अफ्रीका वालों को ले गए थे। हाँ ठीक है। तो उधर बहुत सारे अफ्रीकन्स हैं, और मैं गया था टिनटिन कॉमिक्स की देखने के लिए, कहाँ पब्लिश होती है टिनटिन कॉमिक्स। एक आती थी, मेरी हाँ बचपन में बहुत हाँ फेवरेट रही है टिनटिन कॉमिक्स, और तो मैं वो देखने गया था कहाँ पब्लिश होती है। एंड तो वो देखने गया था, और वहां पे मैं देखा कि ओपनली लूटपाट मचती है। उस समय मैं बात कर रहा हूँ 9 10 साल पहले की, ओपनली लूटपाट मच रही है ट्रेन में, हर जगह, वेरी अनसेफ प्लेस, वेरी अनसेफ। और हाँ, बेल्जियम ब्रसेल्स, तो अरे बाप, आई वॉज शॉक्ड कि मैंने देखा, लेकिन वहां पर बिल्कुल आपने सही बोला, आत्मीयता का कोई भाव नहीं है, कहीं नहीं है। और फ्रांस में, पेरिस में तो आप चलते चलते लुट जाएंगे, ऐसा है कि कोई आप पॉकेट मार के निकल गया, और लोग आईफिल टावर के नीचे पहुंचते हैं, पता लगा पॉकेट में वॉलेट ही नहीं है, तो टिकट कैसे लेंगे। तो वेरी बैड कंडीशन। और इंडिया को एडवाइस बहुत करते हैं। इंडिया में तो मैं हर जगह घूमा हूँ, इस बार ट्रेन में था और बिंदास घूम रहा था मैं ट्रेन में, और मुझे कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी अनसेफ कंट्री, अनसेफ, इसलिए वहां के सारे लोग, अभी वहां पे एक बाइकर है इची बूट्स, वो इंडिया में घूम रही थी, अभी वो अफ्रीका गई है। तो कहीं भी, अफ्रीका में भी पीस है, इंडिया में भी पीस है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और ये पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स पे एडवाइस करते हैं, और अब बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर निकालो, और बाद में हिंदुओं को भी बोलेंगे बाहर निकालो, क्योंकि वो उनका चल रहा है प्रोग्राम। तो व्हाई डू यू थिंक कि ये इतना इनसिक्योरिटी होने के बाद भी दुनिया भर को इतना लेक्चर क्यों देते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर? तो मूर्खों का स्वभाव ही होता है ना, मूर्ख मूर्खों, साथ में चर्च वाला झंझट है तो उद्दंड होगा, एरोगेंट होगा, स्टूपिड को अंदाज नहीं है ना कि सामने वाला क्या है और मैं क्या हूं। आप जो गंभीर है, समझदार है, उसमें गहराई है, तो वो शांत रहेगा, बिना पूछे नहीं बोलेगा।
जो आगे से बढ़ बढ़ के बोल रहा है, क्योंकि भीतर उसको तो पता है ना कि वो क्या है। एक चीज जो बिल्कुल पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डोमेन में नहीं है, यूरोप जब पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा निकलता है, 16वीं 17वीं 18वीं बहुत थोड़े से, लेकिन 19वीं 20वीं में हम कह सकते हैं कि करीब 10 से 12% यूरोप अमेरिका की जनसंख्या नॉन यूरोपियन दुनिया से मिलजुल रही है, और एक अगला 10-20% नॉन यूरोपियन दुनिया के बारे में लिखने से, पढ़ने से, फिल्म से जान रहा है। तो उनको तो अपनी असलियत पता है ना। जैसे यूरोप का जो सीरीज आप चला रहे हैं, तो यूरोप में टट्टी पेशाब की क्या स्थिति है, बच्चों को कैसे मारा कूटा जाता है नृशंस ढंग से, स्त्रियों के साथ कैसी नृशंसता है, ये हमको नहीं पता है ना, उनको तो पता है। और उनका जो 20% लोग दुनिया देख रहे हैं, उनको पता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। तो उनका जो भीषण इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम लोग तो कभी चर्चा ही नहीं करते। कल्पना करके देखिए, हम तो भारत का जानते हैं तो भारत का वर्णन करते हैं कि साहब यहाँ घर घर में फूल है, स्त्रियों के बाल में फूल है, हर घर के देवालय में फूल है, हर 25-50 घर के पास एक मंदिर है, मंदिर में फूल है, फिर जो बड़े लोग हैं उनके घर के दरवाजे पर फूल है, हर जगह सुगंध है। तो जहां हर जगह टट्टी है, पेशाब है, लाश है, कफ है, मरा हुआ कुत्ता है, मरा हुआ बिल्ली है, उनको कैसी भयंकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दबाने के लिए उनमें कैसा एरोगेंस, और जिसको आप भाषण देना या उपदेश देना है वो नहीं करेंगे तो ढकेंगे कैसे। तो नॉन यूरोपियन सोसाइटी यूरोपियन सोसाइटी के दुख, ग्लानि, हीनता के बारे में तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते। हम लोग को कहीं वहम है कि उनमें कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनमें जितनी इंफीरियोरिटी है उतनी किसमें हो सकती है। जो एरोगेंस दिखाते हैं उसके नीचे भी तो उनको पता है कि वो भूखे थे, प्यासे थे, नंगे थे। ये जो मैंने बताया टट्टी मिला हुआ पानी पी रहे हैं कब, लेट 19 सेंचुरी, तो इनको तो पता है कि भारत से जो जहाज आ रहे हैं उसमें वो 5-6 महीने के लिए गंगा जल आ रहा है सैकड़ों आदमियों के लिए। ये भी नहीं कि साधारण पानी आ रहा है, इनको ये तो पता है कि संपूर्ण भारत में केवल गंगा जल का कितना भारी ट्रेडिंग नेटवर्क है। तो उनकी इंफीरियोरिटी के बारे में कल्पना कीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, इनको ये भी तो पता है इनका कोई भविष्य नहीं है। यूरोप और अमेरिका, यूरोपियन और अमेरिकन से अधिक किसको ये पता है कि दे डोंट हैव एनी फ्यूचर। जी, इसलिए इनको भाषण करना पड़ता। जी आदित्य जी, अभी हमारे लाइव शो में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए, काउंट बताऊंगा लोगों को विश्वास नहीं होगा। लाइव शो में यूनिवर्सिटी सिस्टम में कितने हैं मुझे बताइए। मतलब 15,000 से ज्यादा लोग हैं इतना। अरे बाबा रे, सबको नमस्कार। और जो मैं कह रही हूँ इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग वहां बैठे हुए हैं। मैं तो एक बार इंग्लैंड गई थी और एक बार मैं फिनलैंड गई थी। अभी YouTube पे नहीं है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये हमारे प्राइवेट नेटवर्क पे है। मैं यूरोप नहीं देखी हूँ, लेकिन यूरोप मैंने पढ़ा है और पढ़ के अपने को उस जगह रख के समझा है। जिसको ये पता हो कि मेरा कोई भविष्य नहीं है, जब चर्चिल कह रहा है कि
कि मैं अनाज इकट्ठा करके रखूंगा, भूखे यूरोप को बेचूंगा, ये मेरी करेंसी है। जब किसिंगर, किसिंगर नहीं, वो कौन सी किताब है ना, हंटिंगटन, हंटिंग क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन में लिखता है कि साहब अमेरिकन्स आर लूजिंग दियर आइडेंटिटी, तो उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में नॉन यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन और खास करके आपको और हमको तो कोई अंदाजा ही नहीं होता है कि वो किस हद दर्जे की इनसिक्योरिटी। मैंने एक पुस्तक लिखी है, आपको भेजी है, वो PDF में, बिल्कुल जेनेटिक अजम्पशंस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज, ये मैंने 1990 में लिखी थी, आज से 33 साल पहले। उसमें जो सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा है इनकी सुसाइडल टेंडेंसी पर, क्योंकि हम और आप जो आंकड़े कोट करते हैं वो आंकड़े जनरेट कौन कर रहा है? यूरो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल सेटअप। तो जो आंकड़े मुझ तक पहुंच रहे हैं उसका 10 टाइम उनके पास है, 10 times, that's right. या 100 टाइम्स उनके पास है। पब्लिक डोमेन में ये वो उतना रिलीज कर रहे हैं जितना वो चाह रहे हैं कि दूसरे जाने। तो बहस अपने लोग को जो आगे कभी इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे समाज की इनसिक्योरिटी को कैसे हैंडल किया जाए, और ये केवल हैंडल होगा भगवत शरण में जाकर। बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं यूरोप में, बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि और ये उनका मूल धर्म है ना, मूल बिल्कुल चर्च वाला मामला तो 8वीं शताब्दी के बाद है, और पैगंबर साहब का भी आपने सुना ही होगा जो आजकल एक्स मुस्लिम्स का आ रहा है, जो अरबी भाषा के जानकार है। हम और आप तो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, वो बता रहे हैं कि साहब कुरान कभी लिखी ही नहीं गई, कभी लिखी नहीं गई। एग्जैक्ट कुरान हैज बीन ब्रॉट इन अ रिटन फॉर्म बाई नॉन अरबी पीपल, करेक्ट, एंड वेन दे गॉट इट कलेक्टेड, इफ दे कलेक्टेड 1 लाख से 10 मिलियन आइटम्स, देन दे केप ओनली 1% और 10%, 90% वॉज बर्न्ड। 90% वॉट विच वॉज कलेक्टेड एज कुरान। तो इनको तो अपनी असलियत पता है ना, कि ये सब कौन है, ये सब सनातन धर्म से कन्वर्टेड लोग हैं, बिल्कुल इनको पता है दे आर नॉट फॉलोइंग कुरान, इनको पता है दे आर नॉट मोमिन्स, इनको पता है दे आर सूडोस, दे आर मुनाफिक्स, दे आर मुशरिक्स, इनको पता है अकॉर्डिंग टू दैट कुरान कलेक्टेड बाई नॉन अरबी पीपुल दे आर कंडेम्ड टू हेल। और कौन सा हेल? सबसे गर्म वाला, 50 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला हेल। तो ये मुनाफिक हैं जो जा रहे हैं यूरोप। करेक्ट। तो एक बार आप चर्चा कर रहे थे कि साहब ये शरण लेने वहां क्यों जाते हैं, तो ये कहाँ जाए शरण? सीरिया जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए कि इराक जाए? ईरान और इराक नाम की एंटिटी 20th सेंचुरी फेनोमिना है, करेक्ट। इलीगल क्रिएशन ऑफ ए इलीगल नेशन स्टेट बाई इंग्लैंड एंड फ्रांस टू कंट्रोल ऑयल, ठीक, एंड दे किल्ड ईच अदर ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समटाइम्स इंग्लैंड, समटाइम्स फ्रांस, समटाइम्स सोवियत रूस रशिया। और इनको काटने का हथियार कौन दे रहा है? ईरान इराकियों को काट रहा है, इराकी ईरानियों को काट रहा है, यानी सो कॉल्ड मुसलमान एक दूसरे को काट रहा है,
बाय द वेपन सप्लाइड बाय फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, यूएसएसआर। तो भाग के जाना है तो वहीं जाओ ना भाई। मस्टर्ड गैस अगर छोड़ रहे हैं, एटमिक वेपन अगर छोड़ रहे हैं, हु इज सप्लाइंग देम एटमिक वेपन? ओ नाउ चाइना, चाइना कौन है? कम्युनिस्ट शी जिनपिंग। कम्युनिज्म क्या है? तो इस्लाम। तो इस्लाम में सब जिबह जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई मोमिन है ही नहीं भाई, नहीं तो आप तेल इनको क्या करने बेच रहे? अगर तुम मोमिन हो तो काफिर है ना चर्च वाले, काफिरों को तुम तेल क्यों बेच रहे हो भाई? ये जो इज़राइल है इसको तेल क्यों बेच रहे हो भाई? हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को तेल तुम काहे बेच रहे हो भाई? नोट का क्या करोगे भाई? होटल खोलोगे, टूरिज्म करोगे, आजकल कह रहे हैं ना टूरिज्म करेंगे। टूरिज्म में क्या करोगे? यू वुड कॉल अकॉर्डिंग टू यू काफिर्स टू योर होली लैंड, एंड व्हेन दे वुड कम यू वुड सर्व देम वाइन विच इज हदूद गुना। तो जोकर हो गए ना तुम। आपको और हमको नहीं पता होगा कि ये जोकर है, लेकिन उनको तो पता है जोकर है। ये बात मुझे शैलेंद्र भैया ने कही एक बार कि दीदी आप कल्पना कीजिए कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, ये सब टूरिज्म करेंगे। तो टूरिज्म करेंगे तो क्या करेंगे? होटल, हाँ, और वहां डांस एंड वाइन एंड ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन होगा ना। तो दे नो दे आर नॉट मोमिन्स, दे नो दे आर वायलेटिंग कुरान। सो इफ दे हैव टू वायलेट कुरान, इट्स गुड टू बी समवेयर एल्स। और उनमें ऐसे ही सुसाइडल टेंडेंसी यूरोप की है। मैं यूरोप डाइग्रेस कर रही क्या? नहीं कुछ नहीं कर गए। जी तो यूरोप में यही लोग जाते हैं। अभी आपने ये मिडिल ईस्ट सब लोग यूरोप गए। टर्की इनका खास नेटो एलाय है जो कि ठीक है, हर समय उनको प्रॉब्लम्स ही देता है। हाँ 1 मिलियन भेज दिया उसने जर्मनी में। और अब जर्मनी में और आप वो सीन्स हैं टीवी पे, यूट्यूब पे लोग सर्च कर सकते हैं किस तरह जर्मन्स इनको, ये जितने भी मुस्लिम वहां पे जो आ रहे हैं रेफ्यूजीज उनको वेलकम कर रहे हैं। 1 मिलियन रेफ्यूजीज दे वेलकम अंडर एंजेला मर्कल। गले में हमारे यहाँ हार पहनाते हैं, वहां पे हार नहीं पहनाया, वहां पे पेस्ट्री दी, पेन दिया, उनके सारे कार्ड बनाए, खाना दिया, पैसा दिया और उनको जगह भी बताई जहां पे जाके रुकना है। अब सडनली जर्मनी का मूड हो गया है इनको बाहर निकालो। अब निकाल नहीं सकते क्योंकि उनकी किसी की शादियां हो चुकी है और पैलेस्टाइन का इशू पे तो प्रोटेस्ट जम के किया, तो बहुत जगह इन्होंने जला भी दी। सो नाउ द सिचुएशन इन जर्मनी इज अलार्मिंग। तो आपने बिल्कुल सही बताया, ये अपने आप को बड़े स्कॉलर्स बुलाते हैं लेकिन नाउ दे आर ट्राइंग टू गो एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ व्हाट दे डिड बिफोर। तो ये जो फिनोमेना है ये इट इज हमारे देसी लोग तो बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं कि देखो क्या कर दिया, बट दीज आर द पीपल हु देमसेल्व्स इनवाइटेड देम, जर्मनी इनवाइटेड देम, यस यस हाँ। तो ये दिस इज द फिनोमेना। तो नाउ हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, ये जर्मनी का व्हाट इज द सिचुएशन इन जर्मनी आपके हिसाब से? देखिए, मामला केवल जर्मनी का नहीं है। जो मैंने बात की शुरुआत में कही ना, ये जो सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट के सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं, इनकी औकात है क्या? या 30 साल पहले इनकी औकात थी क्या कि ये किसी भी देश में फोर्सफुल एंट्री कर सके? ईरान वाला इराक में फोर्सफुल एंट्री नहीं कर सकता है, अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान में फोर्सफुल एंट्री नहीं कर सकता है,
तो ये यूरोपियन देश में फोर्सफुल एंट्री कैसे कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जिसको कह रहे हैं जर्मनी ने बुलाया, अब जर्मनी बदल रहा है, इंग्लैंड ने बुलाया, अब बदल रहा। ना, हर समय किसी भी देश या समाज में कई प्रकार के ग्रुप्स और ताकतें और फोर्सेस होती हैं। कभी ये पावरफुल हो जाती है, कभी वो पावरफुल हो जाती है। तो जब ये लोग को बुलाया गया, तो वो कौन लोग थे जिनको मैंने कहा सुसाइडल टेंडेंसी वाले गोरे, जिनको ये सीधे ऐसे नहीं कह के क्या कहते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सेकुलरिस्ट हैं, और यानी सीधे सीधे ऑयल लॉबी से घूस खाए हुए घटिया लोग हैं। घटिया लोग कहाँ के? जर्मनी के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, और जो भी नाम ले लीजिए, वहां के घटिया लोग हैं जो इनसे घूस खा के क्या बनते हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं, हम लिबरल हैं, हम वोक हैं, हम ह्यूमनिस्ट हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है? अपने घटियापन और इनसे जो ब्राइव को घूस लेना, ब्राइव को जो एक्सेप्ट किया है, उसको लिए एक शब्द तो देना पड़ेगा ना। तो वी आर ह्यूमैनिटेरियंस, वी आर लिबरल्स, वी आर रिवोल्यूशनरीज, वी आर वोक, और कोई 5-7 नया शब्द गढ़ लेंगे। तो इन लोगों ने रास्ता बनाया इन लोग को लाने का, रखने का। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, मैं उन फैक्टर्स की चर्चा कर रही हूँ जिसका मैंने पब्लिक डिस्कोर्स में पूरी तरह अभाव देखा। उन तथ्यों को मैं यहाँ रेखांकित कर रही हूँ। अब कौन इनको बाहर कर रहे हैं? उसी जर्मनी, उसी इंग्लैंड, उसी फ्रांस में सेंसिबल लोग भी रहते हैं भाई, सब गधे नहीं रहते, सब गए बीते नहीं है। देशभक्त भी हैं, समझदार भी हैं, सुलझे हुए लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इनकी असलियत में जान रहे हैं। तो अब उनका स्वर प्रभावी हो रहा है, और खास करके अभी जो हमास वाला मामला हुआ है यहाँ पर इसराइल, और इन गधों ने, कौन से गधे, जो इराक से गए, ईरान से गए, सीरिया से गए, फिलिस्तीन से गए, लेबनान, जॉर्डन से गए, ये और पढ़ले दर्जे के गधे। अभी तुम्हारा वहां पर पॉपुलेशन 2%, 4%, 10% के अंदर अंदर है एक एक देश में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तुम अभी से जाके नंगा नाच वहां से शुरू कर दिया। हु टॉलरेट यू? तो तुमने ये नंगा नाच क्यों किया? तुमको जिसको वास्तविक विद्या कहते हैं, जिसको कह रहे हैं जी हम गए हैं यूरोप पर राज कर, राज्य करना क्या होता है, स्टेट क्राफ्ट क्या है, स्टेट एपरेटस क्या है, ये मिडिल ईस्ट वाले गधों को क्या पता? यहाँ तो नेशन स्टेट था ही नहीं। जो ओटोमन एम्पायर जिसको आज टर्की कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये सनातनी हिंदू जो 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से जाकर वहां बसे अनातोलिया में, और चूंकि तुर्किस्तान से जाकर बसे कौन लोग? तुर्क लोग। तुर्क लोग का मूल नाम क्या है? तुरुस्क लोग, सनातन धर्मी लोग जो बाद में वहां कन्वर्ट हुए, तो उनके नाम पर उस जगह अनातोलिया का नाम पड़ा तुर्की। तो ये जो वहां के जो पुराने बासिंदे हैं, ये तो अपने को तुर्कों का गुलाम कहते हैं। इसीलिए जो अरब देश कहते हैं, उसमें तुर्की की तो गिनती ही नहीं है, ईरान की भी गिनती नहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी गिनती नहीं है। तो ईरान की और तुर्की की गिनती क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों ने इन अरबियों की चटनी बनाई बहुत, इनको कूटा पीटा, इनको गुलाम बनाया। पूरा इस्लाम का मनमानी लेखन और व्याख्या, ये जो पूरा शरिया बना है, नॉन अरबी लोगों के द्वारा बना है। पूरा जो हदीस है, नॉन अरबी लोगों के द्वारा है। तो अरबी लोग तो पर्शियन और टर्की लोगों के गुलाम है ना, ये पता ही नहीं, लेकिन उनको पता है, आपको और हमको नहीं पता है, जर्मनी और इंग्लैंड वालों को नहीं पता है। तो
तो यहाँ पर कोई राज्य फाज्य तो था नहीं। कौन थे ये? गुलाम थे। तो ये यूरोप में जाके क्या राज्य करेंगे? नंगा नाच करेंगे। क्यों? स्टेट क्राफ्ट इनको आता ही नहीं है। तो पब्लिक डिस्कोर्स से जो बात बाहर है, लुच्चे लफंगे किस्म के ग्रुप्स, इसको बहुत एकेडमिक भाषा में कहें नॉन स्टेट फॉर्मेशंस आर ट्राइंग टू रूल बिग एरियाज एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग। पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा, यूरोप्स अपस्टार्ट्स लुच्चा लफंगास ट्राइड टू रूल द वर्ल्ड, दे लॉस्ट इट। अच्छे सूट पहनते हैं, लेकिन हाँ क्या? अच्छे सूट पहनते हैं, अच्छे सूट पहनते हैं। अच्छा, सेम मिडिल ईस्ट पीपल, थोड़ा सा तेल का पैसा आया नहीं, हम दुनिया में राज करेंगे, दुनिया में राज करेंगे। अरे गधो, राज करना क्या होता है? इसका एक भी शास्त्र है क्या? कम्युनिस्ट, हम राज करेंगे राज करेंगे राज करेंगे, 100 साल नहीं टिके। यानी ना कम्युनिस्ट 100 साल टिके, ना ये तेल वाले 100 साल टिके। 1970, 73, 75 के बाद 73 में तेल का दाम बढ़ा है, 73 से 23 कितना साल हुआ? 50 साल। और 50 साल में इनकी ठुकाई पिटाई कुटाई सब जगह शुरू हो गई। यूरो अमेरिकन ब्लॉक 19वीं सेंचुरी में थोड़ा सा आया, कुछ दिखा, दिखने लगा, तो सर फोड़ के लड़ मरे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अरे जर्मनी वाले 150 लोगों से डील कर रहा था। इंग्लैंड और फ्रांस को जर्मनी के 100 लोगों से डील कर लेते, क्यों नहीं डील कर किए? चर्च का जहां डोमिनेशन है वहां स्टेट नहीं है, स्टेट क्राफ्ट नहीं है, स्टेट फॉर्मेशन नहीं है, स्टेट अपरेटस है। और ये बात पब्लिक डिस्कोर्स से पूरी तरह गायब है। आप तो महाभारत वाले हैं, श्रीमद् भागवत वाले हैं, अपने यहाँ बात बात पर ऋषि मुनि लेके बैठ जाते हैं, ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, ये ऐसे करते हो ना, और किससे पूछ रहे हैं? उस चक्रवर्ती राजा से जिसके वंश में 10, 20, 25 और चक्रवर्ती राजा है, फिर भी बड़े बड़े ऋषि पूछते कर रहे हो ना, सावधान, त्रुटि तो नहीं है, स्खलन तो नहीं है, ग्लानि तो नहीं है? यहाँ ये क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड में जाके लंपटाई कर रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे। तो लंपट जोकर, तीन ग्रुप मैंने कहा, यूरो अमेरिकन चर्च, मिडिल ईस्ट मुनाफिक्स और कम्युनिस्ट, दे आर सेइंग वी वुड रूल वी वुड रूल वी वुड रूल, दे रूल टू नॉट इवन फॉर 100 ईयर्स। तो जो डिस्कोर्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए, व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग, जबकि अल्लाह ताला ने इनको तेल दिया, पता नहीं मारने को दिया कि जिलाने को दिया। इन लोगों ने बहुत दुष्टता की तो कहा ले तेल, अब खत्म कर। चर्च वालों को दुनिया में फैला दिया महादेव जी ने, खत्म, और कम्युनिज्म को भी खत्म। दिस इज हाउ आई लुक एट दीज थिंग्स। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नॉर्वे, जी नॉर्वे पे, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बहुत कम पॉपुलेशन है सबकी, कोई रशिया से, तो एक रशिया के विरुद्ध इन्होंने कैंपेन शुरू किया यूरोप में कि रशिया इज द बिगेस्ट हवा, रशिया के विरुद्ध सबने, नेटो इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग डर रशिया से डर रहे हैं, लेकिन ये लोग 5 लाख पैलेस्टीन को लेने वाले हैं अंदर अभी, 5 लाख पैलेस्टीनियंस को, हाँ लेने वाले हैं यूरोप। सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी। और 1 मिलियन से जर्मनी त्रस्त है, और ये 5 लाख फ्रांस में, स्पेन में, इधर हर जगह फैल जाएंगे, हंगरी के अलावा शायद स्पेन भी बच जाए, स्पेन भी ना ले, लेकिन हंगरी भी ना ले, पोलैंड भी ना ले, लेकिन ये हर जगह फैल जाएंगे। लेकिन और पोलैंड ने अपने आप को रखा है कि वो रोमन कैथोलिक कंट्री है, वो किसी भी मुसलमान को नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सब जगह
चल रहा है कैंपेन यूरोपियन यूनियन का चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज शायद यूरोपियन यूनियन से भी निकले, क्योंकि टर्की उसका पार्ट है, नेटो का पार्ट है, टर्की इनके यूनियन का पार्ट, मतलब बना मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं टर्की, लेकिन हो नहीं रहा, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट विल बी अप्रूव्ड, अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है द वे इट इज गोइंग ऑन, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत गिर रहा है एंड दे हैव टू गेट पीपल। ये लोग हर तरफ से वो सब चीजें कर रहे हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आज दिख रही है, लेकिन इस वॉर के बाद और जो एंटी ज्यू सेंटिमेंट जो इनके इधर आया है, एंटी सेमिटिक जो भी बोलते हैं, सेमिटिक तो एक लैंग्वेजेस का नाम है, तो बहुत सारी एफ्रो एशियन लैंग्वेजेस को सेमिटिक बोलते हैं, तो लेकिन उन्होंने अभी एंटी सेमिटिक मीन्स ज्यूज ओनली राइट नाउ, वो करेक्ट नहीं है एक्चुअली, वर्ड नहीं है। तो ये नाउ दे आर टेकिंग इन ऑल दिस पीपल, 5 लाख लोगों को लेने की बात हो रही है, और शायद वो हमारे कैलिफोर्निया में भी 2-3 लाख लोग आ जाए, ऑलरेडी हमारे 8 मिलियन आ चुके हैं। बाबा तो दिल्ली तो दूर। सो नाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज, कि यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि अमेरिका में भी ग्राउंड पे युद्ध होगा इस तरह जैसे यूरोप में चल रहा है। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्योंकि आपने तो बहुत स्टडी किया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जितनी कम पॉपुलेशन है तो पूरा पॉपुलेशन मॉडल ही चेंज हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों को लोग भेज रहे हैं आइसलैंड में, जो कि आई थिंक डेनमार्क का कोई कंट्री उसको रूल करता है, नो आइसलैंड इंडिपेंडेंट है, ग्रीनलैंड में भी भेज रहे हैं लोगों को। तो यूरोप का पूरा मॉडल ही चेंज होने वाला है इस समय थोड़े दिनों में। देखिए ये बेवकूफी है, 20 लाख थे एक जगह रख देते, या ये मिडिल ईस्ट में भेज देते 2-2 लाख। तो जो मैंने शुरुआत में कहा सुसाइडल टेंडेंसी, इसके अलावा किसी, अच्छा दूसरा आपको याद होगा आप ही के चैनल पर मैंने एक भाषण कहा था, भाषण में कहा था जो वर्तमान यूरोप जैसा दिख रहा है ये 2-4-5 साल का मेहमान है, तब तक ये हमास और ये पैलेस्टीन वाला मामला नहीं था। तो आप जो बता रहे हैं वो सब यदि होगा तो 5 साल भी का, 1.5-2-2.5 साल एंड ऑल विल बी ओवर। ओवर का मतलब आदमी रहेंगे ही, सड़क रहेगी ही, बिल्डिंग रहेगा ही, लेकिन जिसको यूरोप कहते हैं वो तो नहीं रहेगा। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं और ये जो सारी चीजें दिख रही हैं ये भी 3-4-5 साल या 1.5 साल 2 साल में नहीं रहेगा वो जैसा हम उसको समझते हैं कि वो है। मेरी बात थोड़ी विचित्र आज लगेगी लेकिन 6 महीने बाद मैं शायद दोबारा आपके चैनल पर आऊंगी तो आप लोग कहेंगे आपने 6 महीने पहले ये कहा। चीजें बहुत तेजी से बदल रही। नहीं, हम लोग ये सीरीज को लाइव में बहुत सारे शोज करेंगे, ताकि लोग लाइव में क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, और जो भी चीज कुसुमलता जी ने बोली है, एवरीथिंग हैज कम ट्रू, और आज यूरोपियन पार्लियामेंट बोल रहा है कि यूरोप एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर, ईयू पार्लियामेंट बोल रहा है, एंड बोल तो रहे हैं लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, काम सारा कुछ और चल रहा है, अभी भी वही वेपन सेल्स में लगे हुए हैं। अब सोचिए क्यों नहीं डेंजर में है कि जिसको हम शरणार्थी करके बुला रहे हैं। अरे उल्लू मत बुलाओ, मत बोलो। उनकी औकात नहीं है आपके यहाँ आने की। भाई आपका वीसा है, ये है वो है, सब पार करके ही तो कोई आएगा। व्हाई आर यू कॉलिंग? वो तो तो बोट्स ठीक में है आते हैं, कुछ वो तो नाव में बैठ के आते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आने के बाद भी डिपोर्ट हो जाते करेक्ट। अगर करना हो तो। और इटली में मेलोनी आ गई है, एंड इटली में, नीदरलैंड्स में, जो इनका जो मेन जो कॉलोनियल पावर्स थी नीदरलैंड्स में, इटली में, सब जगह इनकी राइट विंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आ गए हैं इलेक्ट होके। मैंने विस्तार से या बहुत कम जानती हूं मैं, लेकिन मोटी मोटी बात जो यूरोप के स्वभाव को मैं जानती, 2 से 5 साल के अंदर ये झंझट यूरोप से खत्म, थैंक यू। शरणार्थी वगैरह को सब ये सलटा दे। जब ये अपने लोगों को काट मार सकते हैं, इनको काटने में देखिए इनकी दवाइयों में कुछ इनको डाल देंगे इनके, ये देखिए बहुत
बस गंभीर बात कह रही हूँ, ये सब ये लोग कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो चुका है, ईरान इराक वॉर में हो चुका है, वियतनाम वगैरह में हो चुका है। इनका ये इनको गिनी पिग नहीं बना देंगे। चर्च अभी भी दिमाग चर्च वाला है, हो सकता है ये इनको बुला रहे हो गिनी पिग बनाने के, कोई बड़ी बात नहीं जी। तो कुछ प्रश्न लेना हो तो ले लीजिए, आपको इच्छा हो तो। थैंक यू सो मच। अभी इस पे हम लाइव शोज करेंगे, और जो लोग आप मुझे बोल रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे देखना है वीडियो लाइव क्वेश्चन पूछने के लिए, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई कैन सी द क्वेश्चंस हियर, एंड फॉर द यूनिवर्सिटी पीपल यू आई कैन सी ऑल योर क्वेश्चंस हियर, बट दोज ऑफ यू हु कुड अंडरस्टैंड, पूरा प्लेलिस्ट देखिए कुसुमलता केडिया जी का हमारे चैनल पे, एंड यू विल सी व्हाट शी इज टॉकिंग इन डिटेल फ्रॉम यूरोपियन रेफरेंसेस। और आप सबके लिए YouTube पे मैं इनको लाइव लेकर आऊंगा स्पेसिफिक यूरोपियन टॉपिक्स पे, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, और मिडिल ईस्ट के टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे अगले शो में।